दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री के दमदार एक्टर जयप्रकाश रेड्डी, जिन्होंने न सिर्फ सीरियस और विलेन का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग छाप छोड़ी, बल्कि अपनी कॉमेडी से भी हर किसी को अपना दीवाना बनाया। लेकिन आपको बता दें कि टॉलीवुड एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। जयप्रकाश 73 साल के थे। जयप्रकाश ने कॉमेडी रोल से फिल्मों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ब्रह्मा पुत्र दू से की थी। जयप्रकाश को इंडस्ट्री में जेपी के नाम से पुकारा जाता है। जयप्रकाश रेड्डी ने ब्लॉकबस्टर फिल्म जयाम, मानिदे रा और चेन्ना केशव रेड्डी में अपने अभिनय के दम पर लाखों फैंस इनकी एक्टिंग के दीवाने थे। अब जहां उनके निधन के बाद उनके फैंस में काफी शोक का माहौल है, परिवार के लोगों ने बताया कि सुबह के वक्त जब जयप्रकाश रेड्डी बाथरूम में थे, तब उन्हें हार्ट अटैक आया और वो बाथरूम में ही गिर पड़े। इससे पहले कि परिवार के सदस्य उन्हें अस्पताल ले जा पाते, जयप्रकाश रेड्डी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जयप्रकाश रेड्डी के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। फैंस और सेलेब्स पोस्ट के जरिए उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जहां तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने भी रेड्डी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एन चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट कर लिखा, तेलुगु सिनेमा और थिएटर ने जयप्रकाश रेड्डी के निधन के साथ आज एक अनमोल रत्न खो दिया। कई दशकों में उनके बहुमुखी प्रदर्शन ने हमें कई यादगार सिनेमाई क्षण दिए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरा दिल उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। इससे पहले फिल्म समीक्षक रमेश बाला ने ट्वीट कर जयप्रकाश रेड्डी के निधन की सूचना दी थी। रमेश बाला ने ट्वीट कर लिखा, पॉपुलर एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का कार्डियक अरेस्ट से निधन, वो 73 साल के थे। वेल दोस्तों, साल 2020 कुछ ऐसा रहा जिसने इंडस्ट्री के कई बेहतरीन कलाकारों को उनके फैंस से दूर कर दिया, जहां अब एक और नाम साउथ के दमदार एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का भी इसमें जुड़ चुका है। तो दोस्तों, आप इस एक्टर के निधन को लेकर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री और टॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।